हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक्सक्यूज मी मैम, आपको कहीं जाना है? मैं आपके लिए दूसरी टैक्सी मंगवा देता हूँ, ये किसी और गेस्ट के लिए है। नहीं, मेरा जाना बहुत अर्जेंट है, अंदर किसी का खून हुआ। क्या खून? मैम सुनिए मैम, एक्सक्यूज मी मैम, मैम 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 मैम, एक्सक्यूज मी, तुमने मेरी वाइफ को देखा है? सर, एक मैडम अभी भी यहाँ आई थी, वो टैक्सी लेके अभी यहाँ से निकल गई है। कहाँ चली गई? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, पर कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। क्या कह रही थी? सर वो बोल रही थी अंदर किसी का खून हो गया है। सर, किसका खून हो गया? सर लिसन टू मी, ये रख, तुम्हारी बात सुन, किसी का खून नहीं हुआ यहाँ पर, और तूने कुछ नहीं सुना, समझा? और पता कर कहाँ गए वो लोग। ओके सर। वो उसको चाकू मारता रहा, वो मर चुकी थी, वो फिर भी उसको मार रहा था। सर मुझे बचा लीजिए, वो मेरा चेहरा देख चुका है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना यहाँ पर। एक बात बताइए, क्या खूनी ने तुम्हें देख लिया है? खूनी होगा तो देखेगा ना, जब कोई खून नहीं है, कोई खूनी नहीं है, तो कौन किसको देखेगा? सर, मैं सुनील कुमार, और ये मेरी पत्नी है सर। सर ये जो भी बोल रही है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सर ना सिर्फ इसके दिमाग की उपज है, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। मिस्टर सुनील, आप इनके पति हैं, लेकिन इनको यहाँ डराने की कोशिश मत कीजिए, समझे आप? और हम ये कैसे मान लें कि ये जो कह रही है वो सच नहीं है, और जो तुम बोल रहे हो वो सही है? सर वो इसलिए क्योंकि ये बीमार है, इसको स्लीप पैरालिसिस है सर। स्लीप पैरालिसिस यानी नींद का लकवा। नींद का लकवा, ये क्या है? नींद में कुछ देर के लिए आदमी की बॉडी पूरी तरह जड़ हो जाती है, सुन्न हो जाती है, ऐसे में तरह तरह का भ्रम होना और पेशेंट को ये सब सच लगता है, लेकिन वो चाह कर भी रिएक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बॉडी उस समय पूरी तरह पैरालाइज्ड होती है। इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, नींद का लकवा। इज इट ओके? एग्जैक्टली सर, हमारी शादी को 6 साल हो गए, और इन 6 सालों के दौरान हर दूसरी तीसरी रात को इसको ये अटैक आता है सर, और इस बार भी यही हुआ है, और कुछ नहीं हुआ सर। हाँ सर, मानती हूँ मुझे ये बीमारी है, जब भी मेरा माइग्रेन का दर्द बढ़ जाता है तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, आंखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, लेकिन सर ऐसे में मैं सोने की कोशिश करती हूँ बस। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे नींद आती है, और 2-3 घंटों के बाद
अचानक से मेरी आंख खुल जाती है मगर शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता है। चाहकर भी मैं फिर ढूंढ नहीं पाती। पूरे शरीर को जैसे लकवा मार गया हो, कुछ साफ नहीं दिखाई देता और सीने पर एक भारेपन सा लगता है, मगर मैं चाहकर भी चीख नहीं पाती, आवाज ही नहीं निकलती मेरी। और फिर 15-20 मिनट के बाद अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती है। कोई नहीं, देखो देखो, शांत हो जाओ, तुम्हें तुम्हें फिर से अटैक आया, देखो रिलैक्स, कोई नहीं है, शांत हो जाओ, कोई नहीं, मतलब जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो सब भ्रम है, कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, हर बार सच नहीं होता था लेकिन इस बार सच हुआ। वो मेरा बहन नहीं था सर, मुझे उस लड़की का चेहरा इतना साफ याद है कि मैं उसे कभी भी पहचान सकती हूँ। मुझे कोई शैतान या दानव नहीं दिखाई दिया सर, जैसे हर बार होता था। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने वहाँ पर खून होते हुए देखा था। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, हाँ खून हुआ था, खून खून खून, बस कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। सुनील जी चुप रहिए, आप चुप रहिए। खून हुआ है क्या नहीं ये हम पता लगाएंगे। आप दोनों सिर्फ सिलसिलेवार बताओ क्या हुआ था उस रात को शुरुआत से। सो हम दोनों यहाँ मेरे कजन अभय की शादी अटेंड करने के लिए आए। कल रात अभय और मिताली मतलब उसकी होने वाली वाइफ के लिए कॉकटेल पार्टी थी। अब है मेरी बात ध्यान से सुनो, मिताली की जितने भी प्रॉपर्टीज और बैंक बैलेंस है तेरे शुरू होने से पहले 60% तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो जाने चाहिए। इस लड़की पर तुम्हारे प्यार का जो फूस सवार है ना उसे यूज करो बेटा। वेल मिताली एक बात कहूँ, अभी भी वक्त है, सोच ले, ये अभय तेरे लायक नहीं है। तुम्हें इससे बेटर लड़के मिल सकते हैं। तुम्हें नहीं पता इसके चर्चे तो पूरे शहर को मालूम है। मैं तुम्हारी शादी इससे इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम्हारी डूबती हुई नैया पार लग जाए। You got it? So be focused, please. पता है मुझे क्या करना है, मुझे भी उस साइको से शादी करने का कोई शौक नहीं है। कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक ही रास्ता है, इसलिए मुझे मत समझाइए कि क्या करना है। आई नो वॉट टू डू, ठीक है? हाय। फिर पार्टी के शोरगुल में मेरा माइग्रेन का दर्द इतना बढ़ गया कि मुझसे वहां रुका ही नहीं गया। रायमा क्या हुआ? क्या हुआ? वो माइग्रेन शुरू हो गया, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं थोड़ी देर रूम में जाके रेस्ट करती हूँ। तकलीफ में थी कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि कमरा मेरा भी है या नहीं। कोई 45 मिनट के बाद जब मेरा दौरा शांत हुआ तो मैं उठी। मैंने अपने इधर उधर देखा तो वहाँ पर कोई खूनी नहीं था, ना ही कोई लाश थी, ना ही कोई खून के धब्बे थे। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये हमारा कमरा थोड़ी ना। अच्छा ये सब छोड़ो,
तुम यहाँ पर बैठो, मेरी बात सुनो, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे पानी लेके आता हूँ, रिलैक्स। भाग के वापस गया तो राइमा वहां से चली गई और वहां से ये आपके पास आ गया और मैं इसके पीछे यहाँ पर। लेकिन सर एक बात पक्की है, वहां पर कोई खूनी हुआ, ये सब इसके दिमाग की उपज है। सुनील जी, जिस तरह से रायमा ने हमें ये सब कुछ बताया ना, उसे नहीं लगता कि ये सब मनगढ़ंत है, जरूर इसमें कोई ना कोई सच्चाई है। सर वो रूम उन रूम्स में था जो हमने शादी के लिए बुक किए, और मैंने अपने गेस्ट लिस्ट में चेक कर लिया, ना तो कोई मिसिंग है ना ही किसी का मर्डर हुआ। सर आप इसकी बात को बिल्कुल मत सुनिए, बस उस शादी को आराम से हो जाने दीजिए, वरना जीत अंकल तो बर्बाद हो जाएंगे, और मुझसे ज्यादा मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। सर शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम पूछताछ तो करेंगे लेकिन अपने तरीके से। वेलकम सर। वेलकम मैम। ये रिसेप्शन डेस्क किस सर, तरफ है? आप सीधा जाइए, देन टेक अ राइट टर्न। थैंक यू सो मच जी। अब बिजनेस ट्रिप पे आया हूँ। ओके सर, यहाँ साइन कीजिए सर। बस थोड़ा रूम का व्यू अच्छा होना चाहिए। श्योर सर, एंजॉय योर डे। थैंक यू। वेलकम सर। वेलकम मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाँ वो हम लोग अभय के वेडिंग के लिए आए थे तो चेक इन करना था रूम में। ओके सर, आप अपनी डिटेल्स दे दीजिए, मैं आपको रूम की देती हूँ। ओह श्योर। बेबी तुमने ने बताया नहीं हमें रूम 103 चाहिए। आई एम सो सॉरी स्वीटहार्ट, मैं तो भूल ही गया। मैम दरअसल हमें वो 103 नंबर वाला स्वीट रूम चाहिए। ठीक है, आपको हम 103 ही दे देते हैं। जैसा मैंने कहा था वैसा क्यों नहीं किया? लेकिन अब क्या करेंगे, कैसे छिपाएंगे? छुपाना तो पड़ेगा ही। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे, आ जाओ। सुनील, सब कुछ इसी के कारण हुआ, किसी को पता चल गया ना तो पता नहीं क्या होगा। कहाँ थे तुम? चलो मुझे कुछ बात करनी है, आओ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस सर। मुझे आपका सीसीटीवी सिस्टम चेक करना है, आपके सिक्योरिटी इंचार्ज को बुला सकती है? ओके सर। से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा लगता तो नहीं है कि यहाँ कोई खून हुआ है। सर खूनी ने बहुत अच्छे से सफाई की है। इसे कैसे हो सकता है? सर जिस तरह रायमा ने बताया है, कत्ल के वक्त यहाँ पर खून ही खून होना चाहिए, और कितनी भी अच्छे से सफाई की जाए इस केमिकल से तो खून के धब्बे सामने आ ही जाते हैं। पर यहाँ तो कोई निशान है ही नहीं, कोई निशान नहीं है। सर या तो रायमा को सचमुच में भ्रम हुआ है, या फिर कातिल ने खून की एक भी बूंद कहीं पर गिरने नहीं दी है। तुम्हें लगता तुम सही कह रही थी,
कातिल ने खून की एक भी बूंद गिरने नहीं दी। ये देखो, खून की एक भी बूंद जमीन पे या दीवार पे कहीं भी नहीं गिरी है, क्योंकि कातिल ने पूरे कमरे को प्लास्टिक के शीट से कवर कर दिया था। सर मतलब रायमा ये सब कुछ प्लास्टिक के उस तरफ से देख रही थी, इसलिए उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। हाँ, ये प्लास्टिक शीट्स जहाँ पे जुड़ते हैं शायद एक गैप रह गया होगा, और उसी गैप में से इस लड़की की शक्ल दिख गई होगी उसे। ना लाश मिली है, ना फिंगरप्रिंट्स, और ना ही कोई खून। लगता है इस केस में हमें फॉरेंसिक से कोई मदद मिलने वाली नहीं है। ये पता लगाना आसान नहीं है कि खून किसका हुआ है, किया किसने, और वो लाश, लाश गई तो गई कहाँ? अरे नहीं नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम तो दूर हो गई। एक्चुअली अपना सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया था, इसलिए जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई थी सब डिलीट हो गई। परसों भी जो रिकॉर्ड किया गया था, परसों से लेकर आज तक का जो रिकॉर्ड है सारे डिलीट है। डिलीट हो गया? पिछले 24 घंटे का सारा फुटेज उड़ गया है। खून होने का टाइम रायमा जी ने जो बोला, तब से लेके 24 घंटे तक होटल के अंदर क्या क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं है। कमाल है, पहले कमरे को प्लास्टिक से ढक दिया, अब ये सीसीटीवी फुटेज। बस शातिर अपराधी है। एक मिनट, तुमने कहा होटल के अंदर का कुछ पता नहीं, और बाहर का? होटल के बाहर सीसीटीवी फुटेज होगा ना? मेन गेट, गार्डन, पार्किंग लॉन और होटल के पीछे। क्या रायमा ने जो देखा वो उसका भ्रम नहीं बल्कि सच्चाई है? किसी का खून हुआ? माय गॉड, कोई कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। क्या हुआ बस, कुछ मिला क्या? बड़ा शातिर है खूनी, बड़ा शातिर है। सबूत नहीं छोड़ा है उसने, कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है तेरे लिए। ऐसा कैसे हो सकता है यार? लेकिन ऐसे हुआ है फारूके, ऐसे हुआ है। रायमा की जान को बहुत बड़ा खतरा है। क्या बोल रहे हो, कुछ समझाओ भी यार। हमारे लोगों को वहां पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, लेकिन सारी बातें ऐसे दिखाती है कि वहां पर किसी का खून हुआ है। और देख, एक बात याद रख, रायमा चश्मदीद गवाह, उसने खून होते हुए देखा है, और खूनी आस पास ही है, तो रायमा की जान को जरूर खतरा है। और उसका फुटेज? सर वो भी उड़ गया। नहीं नहीं, वो उड़ा नहीं है, वो सही सलामत है। अंदर और बाहर के सीसीटीवी कैमरे का केबल कनेक्शन अलग अलग है, इसीलिए वो बच गया। बच गया मतलब फुटेज मिल सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे पास है ना। ये रहा बाहर के कैमरे का फुटेज। सर अगर खूनी ने उस पर उस वक्त हमला किया है जब स्लीप पैरालिसिस का दौरा पड़ रहा है, फिर तो वो उंगली भी नहीं हिला पाई होगी। और अगर वो अपनी उंगली हिला पाई तो कैसे डॉक्टर तारिका? पैरालिसिस तो पूरी बॉडी को हो जाती है। देखो स्लीप पैरालिसिस को छोड़ दो, नॉर्मली भी जब हम सोते हैं, गहरी नींद में होते हैं, हमें सपने आते हैं, उस वक्त भी हमारी मांसपेशियां सेमी पैरालिटिक स्टेट यानी शिथिलता की अवस्था में होती है। ये सबके साथ होता है। लेकिन लेकिन बॉस, ऐसे में भी हमारे पेट की, छाती की और गले की मांसपेशियां सबसे ज्यादा शिथिल होती हैं। स्लीप पैरालिसिस में भी ऐसा ही होता है। और ऐसे में जिस व्यक्ति को स्लीप पैरालिसिस की बीमारी है, अगर वो अपने हाथों की उंगलियों पर कॉन्सेंट्रेट करे, इन उंगलियों पर ध्यान केंद्रित करे और इन्हें हिलाने की कोशिश करे, मुट्ठी को बंद करे और खोले, तो ये पैरालिसिस स्लीप को भी तोड़ा जा सकता है। यार मान ले सड़के कि रायमा ने अपनी स्लीप पैरालिसिस तोड़ दी, लेकिन वो तोड़ने में उसे जितना भी वक्त लगा, उतने वक्त में अगर उस पर हमला हो गया तो ऐसी कोई चीज चाहिए सड़के, ऐसी कोई बात जिससे वो दूसरों को बता सके कि उस पर हमला हो रहा है, वो कह सके कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। है ऐसी चीज भी है। एक रुक तारिका, बस ये है अलार्म,
रायमा जब अपनी उंगलियों की प्रैक्टिस कर रही होगी अपनी स्लीप पैरालिसिस को तोड़ने के लिए, और जब वो इसको तोड़ लेगी अपने निश्चित समय से भी पहले, तो उसे करना सिर्फ ये है कि इस अलार्म को दबाना है, और ये अलार्म बजने लगेगा, और ये अलार्म दया, पूर्वी और अभिजीत तीनों के मोबाइल फोन से कनेक्टेड है, पता चल जाएगा, और वो लोग उसके पास पहुंच जाएंगे और खूनी को पकड़ लेंगे। सर, सड़न के अलार्म से खतरा टल सकता है पर खत्म नहीं होता। खतरा तो तब खत्म होगा जब हम खूनी तक पहले पहुंचेंगे। हम खूनी तक पहले पहुंचेंगे। अबे, अब ये अभय का रूम नहीं है? अबे कौन, वो जिसकी शादी होने वाली है? यस ऑफ कोर्स, उसकी शादी मुझसे होने वाली है। ओहो, और आपको आपके फियांसे का कमरा नहीं पता है? वैसे ये मेरा कमरा है और रिसोर्ट के सारे कमरे शादी वालों ने बुक नहीं किए, और भी लोग रहते हैं यहाँ पे। कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो, कहाँ हो तुम और ये तुम मुझे अभी बता रहे हो? सीरियसली, लोग जो भी करना है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और हाँ, मुझे शादी में ना किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ठीक है? मिताली, इसकी शादी होने वाली है वैसे? ये वाकई अभय का कमरा, इसको मालूम नहीं होगा क्या? कहीं इसको हम पे शक तो नहीं हो गया? वो तो पता नहीं, लेकिन खूनी को भनक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रायमा की जान को खतरा हो सकता है। रायमा ने कहा था कि खून 12 से 12:30 के बीच में हुआ है, उसके बाद कातिल ने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की होगी, लेकिन रिसोर्ट में इतनी भीड़ और चहल पहल है कि वो लाश को कहीं छुपाना मेरे हिसाब से नामुमकिन है। मतलब लाश को बाहर ले गए हैं लोग? लेकिन सर, रात को रिसोर्ट से बाहर तो कोई गया नहीं, कहीं ये लाश रिसोर्ट के अंदर ही तो नहीं? नहीं नहीं, अगर लाश यहाँ होती तो अब तक बदबू आना शुरू हो जाती। करें, मैंने किचन का फ्रीजर चेक किया है, वहाँ भी कुछ नहीं है, वही एक जगह जहाँ पे लाश छुपाई जा सकती थी। वैसे भी यहाँ शादियों की पार्टी और लेट नाइट पार्टी की वजह से ऐसी जगह पे हमेशा कम से कम 30 लोग तो होते ही हैं। खूनी लाश को वहाँ पे छुपाने की गलती नहीं करेगा। सर, कहीं खूनी ने 2 तारीख को लाश के साथ चेकआउट तो नहीं कर लिया? मिस्टर पारितोष, आपके कहने पे मैं ऑलरेडी 3 बार रिकॉर्ड चेक कर चुकी हूँ, कोई मिसलीला थी ही नहीं। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, वो जरूर कहीं और रुकी होंगी। अब प्लीज कहीं और जाकर चेक कीजिए। मैडम, मैं चेक कर सकता होता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट क्यों करता? लीना मेरी दोस्त है और उसका नंबर खो गया मुझसे, मैं क्या करूं? देखिए मैम, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है, आप समझ रही है ना? सर, आप समझ नहीं रहे हैं, किसी एक की डिटेल दूसरे को देना हमारे नियम के खिलाफ है। फिर भी मैं आपकी मदद कर देती, लेकिन मेरे पास उनकी डिटेल्स है ही नहीं सर। अरे ऐसे कैसे नहीं है, डिटेल्स आप रखते हैं ना? कोई कमरा लेने आएगा तो आप उसकी डिटेल्स नहीं रखते हैं? लेते हैं सर, बिल्कुल लेते हैं। तो फिर... लेकिन वो यहाँ रुकी होती तो ना। एक मिनट, आपको तसल्ली नहीं हो रही है, प्लीज आप खुद से चेक कर लीजिए। अच्छा ठीक है, कहीं रीमा ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला, मैं देख लेता। मैम आप एक काम करेंगी, आप हाउसकीपिंग से किसी को बुला के लाइए, मेरा रूम इतना गंदा है, सुबह से मैं कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, कोई आने को तैयार नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? ओके। नहीं, फोन पे, अरे फोन तो मैं 50 बार कर चुका हूँ, आप प्लीज किसी को भेजिए ना। प्लीज, ठीक है सर, मैं बुला के लाती हूँ। थैंक यू मैम। आज जितने लोगों ने चेकआउट किया है उनमें से 4 लोग ऐसे हैं जो आए थे तो शादी अटेंड करने, लेकिन बिना शादी अटेंड किए ही चले गए। शादी बिना अटेंड किए ही चले गए? बड़ी अजीब बात है। ये मिस्टर वलेना, मिस्टर दक्ष, मिसेज मोटवानी और मिस सूजी। सर, मैं इन 4ों के बारे में सब कुछ पता करती हूँ। अपूर्वी, रायमा को होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज दिखाना, मेन गेट का, जहाँ से लोग आते जाते हैं। उसने कहा था ना हमसे कि वो उस लड़की को पहचान लेगी। सर, मतलब रायमा ने जो कहा वो सच है क्या? मिसेस सुनील, आप किस बात से ज्यादा परेशान हैं? यहाँ पे खून हुआ है उससे या फिर रायमा ने देख लिया उससे?
ये सब इन्वेस्टिगेशन तुम हम पर छोड़ दो, शादी का मजा लो। क्या कब बदल जाए यहाँ पे कोई कुछ कह नहीं सकता है। चल भाई चल, अगले फंक्शन के लिए कपड़े रेडी करने हैं, तेरी हेल्प चाहिए। वैसे लोग कौन थे, तेरे गेस्ट हैं? हाँ मेरे गेस्ट ही हैं। चल चल चल। तेरा तो गेम ओवर हो गया भाई, जो तूने गर्लफ्रेंड्स की लाइन लगा रखी थी उसका क्या? अगर मिताली ने सुन लिया ना तो गेम सच में ओवर हो जाएगा। पर भाई मुझे एक बात बता, तू एक लड़की के साथ सारी जिंदगी कैसे बिताएगा? इसके सारे लफड़े हैं ना साइड में चालू हैं, वो जिससे कॉकटेल पार्टी में अचानक से कहां गायब हो गया था। अबे कहीं गायब नहीं हुआ, मिताली के सामने उठक बैठक लगा रहा होगा। ट्रेन खत्म कर अपनी। इसका मतलब कत्ल वाली रात अभी पार्टी में नहीं था। ऐसा क्या कहना चाहता था ये जो रंजीत छुपाने की कोशिश कर रहा है? सर मैडम अभी ठीक है ना? और उस दिन जो मर्डर के बारे में बोल रही थी वो गलतफहमी अभी दूर हो चुकी है ना मैम की? मेरी बात सुन, जो उसको गलतफहमी हुई थी ना वो दूर हो चुकी है, तू भी भूल जा। चल अभी। ओके। अच्छा हुआ कि रायमा माइग्रेन की वजह से अपने कमरे में सो गई है, मौका अच्छा है, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे वाह, कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है तुमने, दिखाओ। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू, ऑल थैंक्स टू आलिया। मिताली स्वीट हार्ट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, एक्सक्यूज मी। एक सेकेंड। मिताली और अभय की जोड़ी कितनी अच्छी है ना, परफेक्ट कपल। परफेक्ट कपल? हाँ, अभय दिल फे काशिक है और ये सन की साइको, बिल्कुल एक दूजे के लिए ही बने हैं। मिताली को अभय के बारे में ये पता है? पागल है वो अभय के लिए, उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, अगर जरूरत पड़े तो किसी को मार भी सकती है। हो गई बात? अरे खाली हो गया क्या? अरे नहीं सब, रिफिल ही करने जा रहा था। अरे यार ये दूल्हा जो है ये तो बड़ा बहक रहा है, क्या मिस्टर नितिन और वो रंजीत रोकते नहीं है क्या? सुना है कॉकटेल पार्टी में भी बहुत हंगामा किया। उस दिन तो हद ही हो गई थी सर। अच्छा, उस दिन भी नहीं रोका इसको? नहीं सब, कोई बोलने वाला था ही नहीं, रंजीत साहब तो खुद ही 11 बजे के बाद आते पार्टी में, और उनके बेटे अपनी बीवी को तलाश कर रहे थे, बाहर जा रहे थे, अंदर आ रहे थे, कोई बोलने वाला था ही नहीं साहब। अच्छा, मतलब खाली दुल्हन ही थी पार्टी में। सर वो तो दूल्हे के पीछे पीछे घूम रही थी। सर इस रिसोर्ट में कई शादियां हुई है लेकिन ऐसी शादी कभी नहीं देखी। अरे हाँ साहब,
अरे यार तुम खाने को लाना यार। अभी लाया साहब। रहमा ये देखो, ये तुम्हारे मदद के लिए अलार्म है। जैसे तुम इस बटन को दबाओगी, दया, पूर्वी और अभिजीत के पास जो फोन है उस पर अलार्म बजेगा और वो लोग तुरंत तुम्हारी मदद के लिए वहां पहुंच जाएंगे। जी। लेकिन जब तुम्हें स्लीप पैरालिसिस हो, अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को हिलाने की कोशिश करना, क्योंकि सबसे कम असर स्लीप पैरालिसिस का हमारे हाथों की और पैरों की उंगलियों पर होता है। सर बेहोश है। रायमा, रायमा, रायमा होश में आओ। मुझे मार देगा। मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। कौन मार देगा? हुआ क्या यहाँ पे? क्यों मिस्टर सुनील, क्या कहना है आप? अब तुम्हें इसकी बात पर विश्वास हो रहा है या अभी तुम्हें अपनी ताऊजी के रेपुटेशन की फिक्र है? अब मैं क्या ही बोलूं सर, संलिया की ये जिंदा है। अच्छा, वैसे आप यहाँ आए कैसे? पार्टी तो नीचे चल रही थी हा? और यहाँ पे क्या हुआ किसी ने नहीं सुना, तो फिर आप हमारे साथ साथ यहाँ कैसे आ गए? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं अपनी पत्नी को मारने की कोशिश क्यों करूँगा? शक तो हम सब पे करते हैं। फिलहाल अभी आप बाहर जाइए, हमें रायमा से कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। जब वो आदमी उसको खून कर रहा था तो मैंने उसे देख लिया था, मुझे नहीं छोड़ेगा। प्लीज आप कुछ कीजिए ना, वो दोबारा आएगा, वो मुझे मार देगा। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। देखो रायमा, घबराओ मत, हमारे यहाँ पे होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, ठीक है? लेकिन वो औरत जिसका खून होते हुए तुमने देखा, उसे हम लोग नहीं पहचानते, तुम उसे पहचानती हो। तो हम लोग एक फुटेज दिखाएंगे, जरा उस फुटेज में देख के उस लड़की को पहचानो प्लीज। जी रेडी? थी वो, इसी का खून हुआ था, पक्का ये वही लड़की थी। अगर ये यहाँ पे आई थी तो किसी ने तो देखा होगा उसे। वो मुझे मारेगा। वो लड़की यहाँ पे आई थी तो किसी ना किसी से तो मिली होगी ना। लगता है ब्यूरो जाने का वक्त आ गया। वो चार लोग जो शादी अटेंड करने आए थे और अटेंड किए बिना ही चले गए, सर उनसे भी पूछताछ कर लेते हैं। सर मिस्टर वलेना, ये अभय का मैनेजर, ये जरूरी काम छोड़कर आया था शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन बीच में ही वापस चले गए। एक तो इन्हें रिसॉर्ट की कार ने एयरपोर्ट छोड़ा, दूसरा इनके पास एक छोटा सूटकेस था जिसमें 5.5 फीट की लाश तो नहीं आ सकती थी। दूसरा सर, ये मिसेज मोटवानी और ये मिस सूजी मिताली की लीगल टीम से हैं सर। इन्हें भी किसी जरूरी काम से शादी के बीच में जाना पड़ा, ये भी रिसॉर्ट की कार में ही गई हैं। एक सूटकेस था और बाकी इनका अपना अपना बैग। और इसमें भी 5 फीट 6 इंच की लाश तो नहीं आ सकती। और ये लोग वापस शादी अटेंड करने आ भी रहे हैं सर। ये चौथे का दिखाना सर, ये हैं दक्ष, ये सुनील का पीआर मैनेजर है सर। 1 जून को आया था, 2 जून को गया अपनी कार से। एक मिनट पंकज, जरा इस विषय दक्ष का शादी में आने वाला फुटेज दिखा।
और अब इसके जाने का वीडियो दिखा। मिस्टर दक्ष आए थे एक सूटकेस के साथ और जा रहे हैं दो दो सूटकेस के साथ। शादी से रिटर्न गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं सर। जो सूटकेस लाया था वो कहां छुपाया है? कौन बोल रहा है? और क्या बोल रहे हो तुम? कौन से सूटकेस? सूटकेस के बारे में तुम यहीं बताओगे या कहीं और अच्छे से खातिरदारी करे तुम्हारी? क्यों मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरा घर और कंपनी दोनों उनके पास गिर गई। अगर मैं मना कर देता तो मैं बर्बाद हो जाता। खुद को बर्बादी से बचाने के लिए एक लड़की का खून कर दिया तुमने? अब ये बताओ लड़की थी कौन? करिश्मा अभय की गर्लफ्रेंड। शादी मुबारक हो मिस्टर अभय। आपके लिए कुछ तोहफे लेकर आए हैं, ऐसे तोहफे जिनके बगैर ये शादी पूरी हो ही नहीं सकती। आपकी दोस्त करिश्मा ने आपके लिए कुछ तोहफे भेजे हैं। करिश्मा याद है? तो फिर देखना चाहेंगे? नहीं, नहीं चाहेंगे आप? हाँ, देखें। अभी दिखाता है। सर, नहीं नहीं नहीं, मैं रुकिए प्लीज। क्या हुआ मिस्टर रंजीत? प्लीज प्लीज ये सूट किस मत खोलिए। क्यों क्यों नहीं खोले? हैं? क्योंकि तुम्हें डर है कि इस सूटकेस के अंदर करिश्मा की लाश ना निकले। वही करिश्मा जिसे तुमने और दक्ष ने मिलकर मारा, फिर ऐसे ही सूटकेस में भर के उसके लाश के टुकड़े टुकड़े किए और बाहर ठिकाने लगा दिए। डैडी, ये क्या बोल रहे हैं? ये सच है क्या? हाँ बेटा, ये सच है।
मैं क्या करता? मुझे ये शादी किसी भी कीमत पर करानी थी, क्योंकि अगर ये शादी नहीं होती तो हम लोग सड़क पर आ जाते, बर्बाद हो जाते। अरे करिश्मा, ये शादी को तोड़ने में तुली हुई थी। अपना मुंह बंद करने के लिए उसने मुझसे 5 करोड़ रुपए मांगे। सच में अगर मेरे पास होते तो मैं दे भी देती, लेकिन नहीं थे मेरे पास। फिर उस दिन वो अचानक ही हाथ धमकी, मुझे कुछ नहीं सूझा और मैंने किसी बहाने से उसे रात तक रुकने को कहा। फिर मैंने इसका प्लान बनाया, फिर मैंने दक्ष को इस प्लान में शामिल किया, क्योंकि मुझे पता था कि दक्ष मुझे ना नहीं कर सकता। वो इंच मेरे कर्जे में डूबा हुआ है। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ हो गया था, फिर पता नहीं अचानक ये कहां से आ गई। इसने आके अचानक सब कुछ देख लिया। मैंने तो इसे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोगों की टीम ने इसे बचा लिया। एक गुनाह को छुपाने के लिए एक और गुनाह, और इस सबकी जड़ है तुम्हारा ये दिल फेंक बेटा। सही समय पर रोक लिया होता तो ये नौबत नहीं आती, और तुम्हारे शादी का असली तोहफा तो तुम्हें अब मिलेगा। एक हत्या और एक हत्या करने की कोशिश के जुर्म में तुम दोनों बाप बेटे जेल जाओगे। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.